हाय गाइस, माय सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो गाइस, हम लोग इसमें काफ़ी सारा कुछ पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका इसको और जो हम लोग फाइंड करते हैं वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं बच्चा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हीकल क्या होता है, व्हाट इज व्हीकल? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। व्हीकल क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और यही जो वर्क है किसका वर्क करता है? पोटेंशियल एनर्जी का कार्य करता है। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो W इक्वल कितना आएगा? V इंटू क्यू नॉट। कितना आएगा? V इंटू क्यू नॉट। और बच्चा ये क्यू नॉट होता है क्या है? कोई टेस्ट चार्ज। कोई चार्ज Q है और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है। कितना रखा है? Q नॉट। हम लोग जो बुक में है उसमें बुक में Q1 Q2 भी सपोज करते हैं, अगर हम Q1 Q2 सपोज कर लें ज़्यादा बेटर है। और इसको हमने Q2 चार्ज सपोज किया। कितना सपोज किया? Q2। और बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 πε0 q/r। क्या होता है? स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस होती है q/r। अब q1 लिया तो q1/r और इंटू q2 पहले था तो q2 लिख दिया। तो यही हमारे पास एनर्जी हो गई 1/4 πε0 q1 q2 yr। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। 1/4 πε0 q1 q2 r। गाइस q1 q2 अपान r, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। और वर्क की यूनिट पता ही है आप सभी को, जूल होती है। और डायमेंशन ml²t⁻²। ml²t⁻²। दिस इज द वर्क डन और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट। तो नाउ गाइस हम लोग आज सेकेंड इसमें जो डेरिवेशन हमारा टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना? टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है? जिसमें होते हैं दो पोल उसको बोलते हैं डाइपोल, ठीक है ना? एक तरफ इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक तरफ होता है माइनस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज। लेकिन बैलून कैसे होते हैं? ये इक्वल होते हैं। बैलून कैसे होते हैं? डाइपोल में जो चार्ज होता है उनकी वैल्यू होने का ध्यान दीजिएगा बच्चे। इधर इसकी क्या चार्ज होती है? माइनस क्यू। और एक तरफ माइनस क्यू होता है, दूसरा तरफ क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज। यदि ये 6 μC का है प्लस का, तो ये माइनस का 6 μC, ठीक है ना? और डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है। किसमें होती है? मिलीमीटर में। किसमें होती है? मिलीमीटर में। इतना छोटा होता है, मतलब काफी छोटा होता है डिस्टेंस, टू ईयर डिस्टेंस है। अब बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा। कौन सा एंगल बनाते हुए रखा है? थीटा एंगल। इसको यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें, क्या ड्रा कर दें? परपेंडिकुलर। ये सीधा 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और यदि ये 12 है तो इस साइड कितनी जाएगी? 12 साइन थीटा। कितना जाएगा बच्चा? 12 साइन थीटा। ये कैसे होता है इसको समझिएगा। देखिए ये आपने ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल कितना है? ये डिस्टेंस 12 है, कितना है? 12। और ये एंगल कितना है? थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है बच्चा? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी वाला समझिएगा, लंब बटे कर्ण। अब ये क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो परपेंडिकुलर तो कितना होगा? एस साइन थीटा। कितना होगा बच्चा? एस साइन थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच? एस की वैल्यू कितनी बच्चा? 12। कितना है? 12। तो कितना हो गया? 12 साइन थीटा। यदि हम लोग कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे? कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल कितना होता है बच्चा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहां पर ये बेस है, हाइपोटेनियस 12 है, तो बेस इक्वल कितना हो जाएगा? एच कॉस थीटा। कितना आएगा बच्चा? एच कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? एच की वैल्यू 12, तो कितना आएगा बच्चा? 12 कॉस थीटा। कितना आएगा? 12 कॉस थीटा। कितना आएगा? 12 कॉस थीटा। ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया। और हम लोगों को इनिशियल फार्मूला
आना चाहिए कि जो जो हमारा टार्क होता है, क्या होता है टार्क, ये टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करता है टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टार्क इनिशियल होता है क्या है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टार्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो वर्क, वर्क इक्वल क्या होता है, हम लोग वर्क पढ़े हैं बच्चा, वर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टार्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, और वर्क डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, यदि किसी एंगल पे कोई फोर्स को ले जा रहा है जब फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्या रहेगा एफ एस कॉस थीटा या एफ डी एस कॉस थीटा, लेकिन टार्क किस पे चलता है साइन थीटा पे। तो बच्चे यहां ध्यान देंगे जो टार्क टाउ इक्वल है हमारे पास, टाउ इक्वल क्या है एफ और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा, कितना sin थीटा 2l sin थीटा, अच्छा 2l sin थीटा, और हम लोग पढ़ चुके हैं इसे रब कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। हम लोग पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E इक्वल होता है F अपॉन Q, या Q नॉट लिख देते हैं F अपॉन Q नॉट, तो हम Q ले लेते हैं F अपॉन Q, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q चार्ज है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q, क्या होता है F अपॉन Q। तो बच्चा F इक्वल कितना आएगा, F इक्वल हो जाएगा E वेक्टर इनटू Q, तो टार्क टाउ वेक्टर इक्वल हमारे पास आएगा E वेक्टर इनटू Q इनटू 2L sin थीटा। अब 2QL वैल्यू क्या होती है बोलिए, 2QL क्या होता है डाइपोल मोमेंटम होता है, टार्क बोलते हैं टार्क टाउ, और इसको बोलते हैं P इनटू Q इनटू 2L को डाइपोल मोमेंटम, क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंटम, तो डाइपोल मोमेंटम किसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, किससे P से, तो E क्रॉस P sin थीटा, क्या आएगा E क्रॉस P sin थीटा, ठीक है ना। यदि हम टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे, किसकी टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम कब होगा जब थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, और कॉस होता तो 0 डिग्री, क्या होता है अब ये नहीं यार रख लिया कि टाउ मैक्सिमम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कब होता मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, कितनी होती है 90 डिग्री, तो टाउ मैक्स वैल्यू कितनी आएगी टाउ मैक्सिमम इक्वल E इनटू P इनटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 0, तो टाउ मैक्सिमम कितना आएगा बच्चा E क्रॉस P, कितना आएगा E क्रॉस P, ये हमारे पास प्रूफ हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि टार्क की यूनिट क्या है, तो यहां से ध्यान देंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, न्यूटन इनटू मीटर, यहाँ पर जूल नहीं बोलेंगे न्यूटन इनटू मीटर, कितना न्यूटन इनटू मीटर। इसकी यदि हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन जो जूल की होती है वही इसकी रहेगी एमएल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, कितना एमएल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। इसमें किसी को डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं तो नेक्स्ट देखिएगा। एनर्जी फाइंड करना है बच्चा किस रिगार्ड ड्यू टू डाइपोल, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी पहले से फाइंड किया था, देखो डाइपोल इलेक्ट्रिक 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 इंटेंसिटी के कारण था, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण एनर्जी थी, ठीक है ना, या एनर्जी किस कारण है ड्यू टू डाइपोल, बात ध्यान रखेंगे नाम क्या। इधर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कौन सा वाला फार्मूला यूज करें, क्या इसमें यूज करें, तो यूज किससे करते हैं देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं लेकिन किस कारण ड्यू टू डाइपोल। तो इसके लिए हमें से जो शॉर्टकट मेथड है हम लोगों ने पढ़ा टार्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में पढ़ा है पीई साइन थीटा, क्या पढ़ा है अभी पीई साइन थीटा, ठीक है ना पीई साइन थीटा। यदि बच्चा हम वर्क इक्वल लिख दे टाऊ डी थीटा, टाऊ डी थीटा, यदि आप डी थीटा लिखा तो क्या लिखेंगे dw, क्या लिखेंगे यहाँ पे dw। अब dw इक्वल हमारे पास tau की वैल्यू है pe sin थीटा, बच्चा ध्यान दीजिएगा pe sin थीटा इनटू d थीटा, हमें क्या करना है केवल इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट जीरो लिखना है
अपर लिमिट थीटा लिखनी है और यहाँ पर डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना है। फार्मूला होता है बच्चा, जैसे डीएक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स होता है। अच्छा तुमने बताया कि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है एक्स। और साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, माइनस कॉस। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा तो प्लस का साइन थीटा रहता है, क्या रहता है, प्लस का साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा डी डब्ल्यू का क्या आएगा, डब्ल्यू कितना आएगा, डब्ल्यू P कांस्टेंट, कांस्टेंट ये देखिए थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा का ही होगा। पीई बार निकाले, P का निकाला, बार निकाला। अब साइन थीटा क्या आया, कास थीटा, क्या आया, कास थीटा। क्या आएगा बच्चा, माइनस का लिमिट लगाया जीरो टू थीटा, कितना, जीरो टू थीटा। ध्यान दीजिए इसमें डब्ल्यू इक्वल माइनस को वाले लिया, पीई कितना, पीई। और यहां पर कास थीटा, अब हमें जो लिमिट होती है, क्या जहां थीटा लिखा है वहां पर दिखेगा, जहां पर थीटा लिखा तो थीटा लिमिट तो थीटा लिख दिया, ठीक है ना। और फिर जीरो था तो लिख दिया कास जीरो, कितना लिख दिया बच्चा, कास जीरो, कितना लिख दिया, कास जीरो। और माइनस के यदि मल्टीप्लाई करा दें साइड की ओर तो प्लस का पीई, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कास जीरो, कितना आएगा, कास जीरो। और माइनस का कास थीटा कैसे पलट गया, माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस का हो गया, माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का। और कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, कास जीरो की वैल्यू वन, कितनी होती है बच्चा, वन इंटू माइनस कास थीटा। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू डाइपोल, किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल।